नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में और मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी। शुरुआत करते हैं खबरों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आत्मनिर्भर नारी शक्ति से संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाले हैं। पीएम मोदी दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय आजीविका मिशन यानी कि DNLM से जुड़े महिला स्वयं सहायिका समूहों की महिला सदस्यों के साथ बातचीत में भाग लेंगे। जानकारी के मुताबिक ये कार्यक्रम आज दोपहर करीब 12:30 बजे आयोजित होना है और इस दौरान पीएम मोदी स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं की उन्नति, सफलता समेत छोटी जोत वाली खेती से पैदा होने वाली आजीविका पर एक किताब भी जारी करेंगे। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने बीते दिन इस कार्यक्रम को लेकर एक ट्वीट भी किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि देश में स्वयं सहायता समूहों की संख्या काफी अधिक है। मैं कल आत्मनिर्भर शक्ति से संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लूंगा। कल इस कार्यक्रम में मुझे इस समूह की सदस्यों से बात करने का मौका मिलेगा और साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि इस मौके पर सहायता राशि भी जारी की जाएगी, जिससे इन समूहों के काम को और ज्यादा तेजी मिल सके। वहीं राहुल गांधी का ट्विटर अकाउंट अस्थायी तौर पर निलंबित किए जाने के बीच कांग्रेस ने बुधवार देर रात दावा किया कि रणदीप सुरजेवाला समेत 5 वरिष्ठ नेताओं के अकाउंट के खिलाफ भी इसी तरह की कार्रवाई की गई है। पार्टी ने कहा है कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव और पूर्व केंद्रीय मंत्री अजय माकन, लोकसभा में पार्टी के सचेतक, असम प्रभारी और पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और महिला कांग्रेस अध्यक्ष सुष्मिता देव के ट्विटर अकाउंट निलंबित कर दिए गए। दरअसल दिल्ली कैंट से सटे इलाके में नाबालिग दलित बच्ची की कथित तौर पर रेप के बाद हत्या से आक्रोशित परिजनों और स्थानीय लोगों से मिलने पहुंचे राहुल गांधी ने न्याय की मांग करते हुए बच्ची के माता पिता के साथ अपनी तस्वीर ट्वीट की थी। राहुल गांधी के ट्वीट के खिलाफ राष्ट्रीय बाल आयोग की शिकायत के बाद ट्विटर ने न केवल राहुल गांधी का ट्वीट हटा दिया बल्कि उनके अकाउंट पर अस्थायी रोक भी लगा दी है। ट्विटर के जरिए रोजाना मोदी सरकार पर हमला करने वाले राहुल गांधी पाबंदी के कारण 2 दिनों से ट्वीट नहीं कर पाए हैं। आपको बता दें कि मामले पर कांग्रेस महासचिव और मीडिया प्रभारी रणदीप सुरजेवाला ने राहुल गांधी द्वारा ट्वीट की गई तस्वीर को ट्वीट करते हुए लिखा कि मोदी सरकार दलित की बेटी को न्याय देने के बजाय हमदर्दी व न्याय मांगने वाली बुलंद आवाज को दबाने का षड्यंत्र कर रही है। वहीं मोदी जी हैशटैग ट्विटर को डराकर श्री राहुल गांधी का अकाउंट बंद कराकर भी बेटी से न्याय की आवाज नहीं दबा पाएंगे। ट्विटर को दबाएं या फिर FIR दर्ज कराएं, न्याय देना ही होगा। वहीं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो 12 अगस्त की सुबह नया इतिहास रचने से चूक गया है। अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट को GSLV-F10 रॉकेट ने उड़ान तो भरी लेकिन मिशन समय से 10 सेकंड पहले ही खराब हो गया। मिशन कंट्रोल सेंटर को रॉकेट के तीसरे स्टेज में लगे कार्योजेनिक इंजन से 18:29 पर सिग्नल और आंकड़े मिलने बंद हो गए थे और इसके बाद मिशन कंट्रोल सेंटर में वैज्ञानिकों के चेहरों पर तनाव की लकीरें दिखने लगी। थोड़ी देर तक वैज्ञानिक आंकड़ों के मिलने और अधिक जानकारी का इंतजार करते रहे। फिर मिशन डायरेक्टर ने जाकर सेंटर में बैठे इसरो चीफ डॉक्टर K.Sivan को सारी जानकारी दी और इसके बाद इसरो प्रमुख ने कहा है कि क्रायोजेनिक इंजन में तकनीकी खामी पता चली है जिसकी वजह से यह मिशन पूरी तरह से सफल नहीं हो पाया और इसके बाद इसरो ने घोषणा की कि मिशन आंशिक रूप से विफल हो रहा है, तत्काल इसके द्वारा चलाया जा रहे लाइव प्रसारण बंद कर दिए जाए और अगर ये मिशन कामयाब होता है तो सुबह करीब 10:30 बजे ये सैटेलाइट भारत की तस्वीरें लेना शुरू कर देता। इस लॉन्च के साथ इसरो ने पहली बार 3 काम किए थे। पहला 6:45 बजे सैटेलाइट लॉन्च किया, दूसरा जियो ऑर्बिट में अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट को स्थापित करना था और तीसरा ओजाइव पेलोड फायरिंग यानी बड़े उपग्रह को अंतरिक्ष में भेजना था। वहीं लखनऊ में लोकतांत्रिक साझा पार्टी के राष्ट्र अध्यक्ष मायाराम वर्मा के नेतृत्व में महाबैठक का आयोजन किया गया, जिसमें आगामी 2022 के चुनाव को लेकर मायाराम वर्मा की अध्यक्षता में पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की घोषणा भी की गई और इस दौरान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मायाराम ने कहा कि आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में लोकतांत्रिक साझा पार्टी चुनाव में बड़ी भागीदारी करेगी। बताया जा रहा है
कि असम कटिहार को संरक्षक बनाया गया है, तो वहीं राष्ट्रीय महासचिव पद की जिम्मेदारी संजय कुमार श्रीवास को दी गई है। हम इंटरमीडिएट के पास करने के बाद झांसी में छात्र राजनीति की, छात्र संघ अध्यक्ष रहे, कम्युनिस्ट पार्टी में काम किया, वहाँ लोकतांत्रिक सोच और लोकतांत्रिक व्यवस्था हमने सीखी। इसके बाद कुछ दिन हम बहुजन समाज पार्टी में रहे, लेकिन वहाँ का परिवारवाद और व्यक्तिवाद देख करके हमें तकलीफ हुई। तब 7 फरवरी 2016 को हम लोगों ने लोकतांत्रिक साझा सामाजिक संगठन तैयार किया। पहली बैठक अंबेडकर महासभा लखनऊ में हुई। इसके बाद लगातार पूरे देश में ये बैठक गरीबों का हित सर्वोपर रखेगी और विधायकों की निधि, सांसद की निधि और पेंशन हम बंद करके ये पैसा गरीबों के हित कल्याण के लिए उपलब्ध कराएंगे। जैसे किसानों की बिजली, घरेलू बिजली माफ़ कर दी जाएगी और डीजल पर वैट खत्म कर दिया जाएगा, जिससे किसानों को 40 रुपया लीटर 50 रुपया लीटर। वहीं स्वतंत्रता दिवस व आगामी त्योहारों को देखते हुए अलर्ट होकर पुलिस महकमा सक्रिय हो गया है। आजमगढ़ जिले की पुलिस ने नगर क्षेत्र के शहर कोतवाली से मार्च निकाला। इस दौरान नगर के कई प्रतिष्ठानों व वाहनों से चल रहे लोगों की चेकिंग भी की गई। पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में शहर के बैंकों, मालों व सर्राफा की कई दुकानों का निरीक्षण कर चेकिंग की गई। बैंकों में बिना मास्क के कोई उपभोक्ता पाए गए, जिन्हें मास्क पहनने के लिए और कहा गया। और साथ ही आपको बता दें कि पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह ने यह बताया है कि स्वतंत्रता दिवस व आगामी त्योहारों के मद्देनजर नगर क्षेत्र में ये चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। स्वतंत्रता दिवस के 72 घंटे पहले पूरे जिले में सघन चेकिंग अभियान चलाया जाएगा, जिसमें सभी सार्वजनिक स्थानों, रोडवेज, रेलवे स्टेशन, होटल, ढाबों पर सघन चेकिंग की जाएगी और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कोई भी संदिग्ध जिले में ना रहे। कि आज मेरे द्वारा आकस्मिक रूप से पहले बैंकों की चेकिंग की गई, उनके सिक्योरिटी सिस्टम्स की चेकिंग की गई, बाहर खड़े वाहनों की चेकिंग की गई और इंस्पेक्टर कोतवाली और उनका पूरा फोर्स इस चेकिंग में मेरे साथ रहा। बहुत से बैंकों में कुछ सीसीटीवी कैमरे नहीं चल रहे हैं, विशेषकर जो आउटर वाले सीसीटीवी कैमरे हैं, जो कि बहुत ही सेंसिटिव होते हैं क्राइम के दृष्टिकोण से, वो नहीं चल रहे हैं, वो उन्हें ठीक कराने। वहीं आजमगढ़ जिले के थाना जहानागंज के अंतर्गत ग्राम गोधौरा में चुनाव की मतगणना के दौरान हुए विवाद के बाद ग्रामीणों का यह आरोप है कि पुलिस ग्रामीणों पर बदले की भावना से कार्रवाई कर रही है। पुलिस ने गांव में घुसकर दलितों के घरों, छप्परों व सरकारी हैंडपंपों को तोड़ दिया। घर में रखी गई अलमारियां को तोड़कर गहने व पैसे उठा ले गए। महिलाओं और लड़कियों के साथ बदसलूकी भी की गई। इसके साथ ही ग्रामीणों को पूरी तरह से मारा पीटा गया। कई दिनों से पुलिस बराबर गांव में आकर लोगों को डरा धमका रही है, जिसको लेकर सपा प्रतिनिधि मंडल ने एसपी से मुलाकात कर मामले में उचित कार्रवाई की मांग की है। पूरे जनपद में पिछड़ों दलितों के साथ पुलिस अन्याय कर रही है। उनके घरों में घुस करके छोटे छोटे घटनाओं को लेकर के उनके घरों में घुस करके तोड़ फोड़, दरवाजे तोड़ना, घर गिराना, छप्पर तोड़ना, अलमारी तोड़ करके पैसे ले जाना, गहने उठा ले जाना, यह इस तरह का जो अपराध हो रहा है ये पूरे जनपद में हो रहा है। उसका हम लोगों ने एसपी को बताया कि घटनाएं जो हो रही हैं ये गलत हो रहा है और अगर इस पर कार्रवाई पर रोक नहीं लगाई गई तो समाजवादी पार्टी आने वाले दिनों में इस प्रकरण को लेकर के थानों का घेराव करेगी। वहीं फतेहपुर जिले के जाफरगंज में बने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कोरोना वैक्सीन ना लगने की वजह से लोगों में काफी आक्रोश दिखा। स्थानीय लोगों का ये कहना है कि रोज सुबह से ही वैक्सीनेशन के लिए लाइनें लग जाती हैं। वैक्सीनेशन के लिए पहुंचे लोगों का ये आरोप है कि कई कई घंटे खड़े रहने के बाद नंबर पर आंचा चलता है और वैक्सीन खत्म हो गई। इसके साथ ही कर्मचारी वैक्सीनेशन में लापरवाही भी बरतते हुए नजर आ रहे हैं। सुबह से हम लाइन लगाए बताए, यहाँ 8 बजे से खड़े हैं और कह रहे हैं भैया गिगिया रहे हैं, कह रहे हैं कि हमारी तबीयत खराब है, बुखार चढ़ी, सुबह से आ रहे हैं छोड़ के घर में अकेले, इन लोगों को तरस नहीं आती है और औरतन के ऊपर, और वैक्सीन रखी रखा ही, कह रहे हैं हम ना लगाएंगे।
जाओ भीड़ करती हो लाइन में लगी है, सब औरतें आगे जा रही हैं, तो हम क्या करें वहाँ पीछे खड़े खड़े सच्चाई में। अब बता इतनी समय हो गया, जबरदस्ती यही होते, लड़ते झगड़ते तो हो जाता काम। अरे यहाँ है चराई गाँव। वही जनपद हमीरपुर में एक दुकान में रखे सिलेंडर में भीषण आग लग गई। पूरा मामला राठ कस्बा के 12 खंबा चौराहे का बताया जा रहा है, जहां पर एक मिठाई की दुकान में अचानक रिसाव के कारण सिलेंडर में आग लग गई और देखते ही देखते वहां पर लोगों में भगदड़ शुरू हो गई। वहीं पुलिस को मामले की सूचना दी गई, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हालांकि इस आगजनी से किसी तरह की जनहानि नहीं हुई है। तो दुकान में रखे गैस सिलेंडर में अचानक आग लग गई और इस घटना के बाद वहां पर मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि एक मिठाई की दुकान में अचानक रिसाव के कारण सिलेंडर में आग लग गई और देखते ही देखते वहां पर लोगों में भगदड़ भी शुरू हो गई। वहीं पुलिस को मामले की सूचना दी गई, जिसके बाद कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हालांकि इस आगजनी से किसी तरह की जनहानि नहीं हुई है। वहीं यूपी के संभल में स्वास्थ्य केंद्र गुन्नौर में स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों का शर्मसार करने वाला चेहरा सामने आया है। कर्मचारी अपने ही विभाग की आशा बहू से अभद्रता करते हैं। आशा बहू ने पर्चा बनाने वाले कर्मचारी पर अभद्रता करने और गाली देने का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि आशा बहुओं की स्वास्थ्य विभाग की ओर से एक बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें शामिल होने आई आशा बहू की अचानक तबीयत खराब हो गई। आशा बहू जब दवा लेने के लिए पर्चा बनाने वाले काउंटर पर पहुंची तो वहां पर मौजूद बाबू ने किसी बात को लेकर अभद्रता शुरू कर दी। पैसे वो पैसे खोले नहीं थे, चक्कर में कुछ कह दिया होगा, कोई बात नहीं, तो फीवर आ रहा था, बेसिकली बीमार थी पहले से ही, थोड़ा घबराहट हो गई, गर्मी है इसलिए थोड़ा फेंटिंग हो गया, दे दिया ट्रीटमेंट। पूछते हैं कर्मचारी से, बुला के पूछते हैं क्या बात है। वही सुल्तानपुर में क्राइम ब्रांच और साइबर सेल पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस टीम ने शातिर चोर को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार किए गए आरोपी के पास से 20 मोबाइल और चोरी कर 5,000 रुपए भी बरामद किए गए। हालांकि अंधेरे का फायदा उठाकर उसके दो साथी मौके से फरार हो गए। दरअसल सुल्तानपुर शहर में बीते कई दिनों से चोरी की कई वारदातों ने सुल्तानपुर पुलिस की नींद उड़ा दी थी, जिसको लेकर एसपी ने साइबर सेल और पुलिस की टीम गठित कर गिरोह की गिरफ्तारी के आदेश दिए थे। पुलिस टीम ने आरोपी को गिरफ्तार कर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी और उसे जेल भी भेज दिया है। तो सुल्तानपुर से ये आपको खबर बता रहे, जहां पर दो आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बता दें कि मुखबिर की सूचना पर पुलिस टीम ने शातिर चोरों को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही साथ गिरफ्तार किए गए आरोपी के पास से 20 मोबाइल और चोरी के 5,000 रुपए भी पुलिस ने बरामद किए हैं। हालांकि अंधेरे का फायदा उठाकर आरोपी के दो साथी मौके से फरार हो गए। दरअसल सुल्तानपुर शहर में बीते कई दिनों से चोरी की कई वारदातों ने सुल्तानपुर पुलिस की नींद उड़ा दी थी, जिसको लेकर एसपी ने साइबर सेल और पुलिस की टीम गठित कर गिरोह की गिरफ्तारी के आदेश दिए थे। पुलिस टीम ने आरोपी को गिरफ्तार कर कानूनी कार्रवाई करते हुए जेल भेज दिया है। इसी बीच लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी में 6 सीनियर आईपीएस अफसरों के तबादले किए गए हैं। देर रात गृह विभाग ने लिस्ट जारी की है। गोपाल लाल मीणा को डीजी सीबी सीआईटी बनाया गया है। वही आनंद कुमार डीजीपी को फायर सर्विस का चार्ज दिया गया है। वही राजेंद्र पाल पुलिस महानिदेशक प्रशिक्षण लखनऊ बनाए गए हैं। राजकुमार विश्वकर्मा को भर्ती बोर्ड ईओडब्ल्यू का चार्ज दिया गया है। तो बड़ी खबर बता रहे, जहां पर 6 सीनियर अफसरों के तबादले किए गए हैं। गोपाल लाल मीणा को डीजी सीबी सीआईटी बनाया गया है। वही आनंद कुमार डीजीपी को फायर सर्विस का चार्ज दिया गया है। राजेंद्र पाल पुलिस महानिदेशक प्रशिक्षण
लखनऊ बने हैं, तो वहीं राजकुमार विश्वकर्मा को भर्ती बोर्ड ईओडब्ल्यू बनाया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां पर 6 सीनियर आईपीएस अफसरों के तबादले किए गए हैं। और इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता शिवा शर्मा जुड़ चुके हैं। तो शिवा, आपसे जानना चाहेंगे, बड़ी खबर यूपी से है, जहां पर 6 सीनियर आईपीएस अफसरों के तबादले किए गए हैं, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? देखिए प्रिया, कल देर रात ये गृह विभाग से लिस्ट जारी हुई है, जिसमें 6 बड़े और सीनियर आईपीएस अफसरों के नाम है। जो गोपाल लाल मीणा है, उनको मानवाधिकार आयोग उत्तर प्रदेश से सीबीसीआईडी डीजी का चार्ज मिला है। साथ ही साथ आनंद कुमार जो जीडी जेल थे, उनको पुलिस भर्ती बोर्ड और कहा जाएगा कि एक अतिरिक्त प्रभार मिला है। और साथ ही साथ आरपी सिंह जो ईओडब्ल्यू के डीजी थे, उनको सुजानवीर के सिंह नेतृत्व होने तक उनको एक चार्ज मिलेगा। और साथ ही साथ राजकुमार विश्वकर्मा जो उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड के डीजी थे, उनको भी अतिरिक्त चार्ज मिला है ईओडब्ल्यू का। और रेणुका मिश्रा और रामकृष्ण सरकार, ये ऐसे 6 आईपीएस अफसर हैं जो उत्तर प्रदेश के अंदर बड़े पदों पर थे, डीजी और 4 डीजी और 2 एडीजी। तो इनके जो कार्य क्षेत्र की जो बढ़ोतरी है, वो मुख्यमंत्री ने कल देर शाम आदेश दिया था गृह विभाग को कि इनकी जो कार्यशैली है, उनको देखते हुए इनको अतिरिक्त प्रभार दिया जाए। जो बाकी और विंग्स हैं, चाहे वो एसआईटी हो, ईओडब्ल्यू हो, या फिर ये कहा जाएगा कि फायर विभाग, इन सभी का इनको अतिरिक्त प्रभार दिया गया। और ये कहा जा सकता है कि आने वाले 2 दिन के अंदर एक और ऐसी लिस्ट आईपीएस अफसरों की जारी होगी, जिसमें बड़े और सीनियर एडीजी और डीजी रैंक के अफसर जो है वो शामिल होंगे, और उनके कार्य क्षेत्रों में बदलाव जो है वो किया जाएगा। जी अशिवा, हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। लखनऊ से बड़ी खबर है, जहां पर लोहिया पथ पर भीषण सड़क हादसा देखने को मिला है। टायर फटने से कार अनियंत्रित होकर पलट गई है। हादसे में एक की मौत हो गई है, जबकि 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। आपको बता दें कि घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गौतमपल्ली थाने के लोहिया पथ की एक घटना बताई जा रही है, जहां पर भीषण सड़क हादसा हुआ है। और इसी खबर पर एक बार फिर हमारे साथ शिवा जुड़ चुके हैं। तो शिवा, आपसे जानना चाहेंगे, क्या कुछ पूरा मामला था? देखिए प्रिया, कल देर रात ये तकरीबन 12:30 बजे की घटना है। गौतमपल्ली क्षेत्र का ये लोहिया पथ इलाका है, जहां पर एक स्कॉर्पियो कार थी, जिसका नंबर UP 35 AM 3636 था। ये तेज रफ्तार कार 10-90 से चौराहे होते हुए मुख्यमंत्री आवास की तरफ जा रही थी। इसी बीच GMO के पास उसका टायर जो था वो फट गया था, और डिवाइडर से कार लौटते हुए दूसरी तरफ जा गिरी थी। और ये बताया जा रहा है कि पूरी घटना में एक शख्स की मृत्यु हो चुकी है, जिसका नाम नितिन श्रीवास्तव है, और साथ ही साथ उनकी पत्नी, 2 बेटियां और उसका साला, ये सभी 4 लोगों को घायल अवस्था में सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हालांकि नितिन श्रीवास्तव के साले की जो हालत है वो बहुत ज्यादा गंभीर है, जिसको देखते हुए इसे ट्रॉमा सेंटर में भर्ती किया गया है। तो इस गंभीर सड़क हादसे में 1 लोगों की मौत हो चुकी है और 4 लोग गंभीर रूप से जख्मी है। पुलिस ने इस पूरे हादसे का कारण यही बताया है, क्योंकि कार बहुत ज्यादा तेज रफ्तार से थी, और जब उसका टायर फटा तब वो अनियंत्रित होकर के उस सड़क पर जा लड़ी थी, और डिवाइडर से चकनाचूर होते हुए उसके परखच्चे उड़ गए थे। फिलहाल देर रात सभी लोगों को घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिनका अस्पताल में इलाज जारी है। जी अशिवा, जिस तरह से बताया कि 3 लोग घायल हुए हैं, जिसमें जिनका इलाज अस्पताल में जारी है, किस तरह की स्थिति बनी हुई है? देखिए, अभी डॉक्टरों का पैनल उनका इलाज कर रहा है। जो हेड इंजरी है वो ये बताया जा रहा है कि नितिन श्रीवास्तव के साले के सर पे आई है, जिसका नाम रोहित है। लेकिन जो 2 बेटियां हैं, उनके भी अंदरूनी चोटें और कुछ बाहरी हिस्सों में चोटें आई हैं, जिनका डॉक्टर इलाज कर रहे हैं। संभवतः ये कयास लगाया जा रहा है कि 4ों की जो तबीयत है वो आने वाले समय में सही हो सकती है, लेकिन अभी बहुत कुछ कह पाना मुश्किल है, क्योंकि सड़क हादसा बहुत ही भीषण था, क्योंकि कार के परखच्चे उड़ गए थे। ऐसे में जो भी अंदर लोग सवार थे, जो लोग थे, उनको बहुत ज्यादा चोटें आई हैं। फिलहाल 11 से 12 बजे के बाद स्थिति जो है वो और ज्यादा मालूम पड़ पाएगी, क्योंकि डॉक्टर, सीनियर डॉक्टर जो थे वो रात में अस्पताल में नहीं थे, लिहाजा जो इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर थे उन्होंने उसका ट्रीटमेंट किया था। अब 11 बजे के बाद स्थिति कैसी होती है, ये एक मेडिकल बुलेटिन जारी होगा, और 4 लोगों की स्थिति को ये कहा जा रहा है कि मीडिया से अवगत कराया जाएगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया शिवा, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बड़ी खबर इस वक्त की लखनऊ से बता रहे, जहां पर एक भीषण सड़क हादसे की एक खबर सामने आ रही है, और इस हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। आपको बता दें कि हादसा टायर फटने की वजह से हुआ, जिसके दौरान कार अनियंत्रित होकर पलट गई है, और इस हादसे में एक युवक की मौत भी हो गई है।
इसी बीच बड़ी खबर, लखनऊ से है। पुलिस कमिश्नर ने देर रात अर्दली रूम का निरीक्षण किया। सर्किल महानगर में अर्दली रूम किया है। बता दें कि लंबित विवेचनाओं की समीक्षा करते हुए जरूरी निर्देश भी जारी किए गए हैं। महानगर, विकास नगर और हजरतगंज में ये दर्ज किया गया है। वहीं कमिश्नर के साथ डीसीपी नॉर्थ और एसीपी महानगर भी मौजूद रहे। तो इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से आपको बता रहे हैं। सर्किल महानगर का निरीक्षण किया गया और लंबित विवेचनाओं की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को जरूरी निर्देश भी जारी किए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से आपको बता रहे हैं। इसी बीच गाजियाबाद से बड़ी खबर, नोएडा एसटीएफ ने 50,000 के इनामी मुठभेड़ के गोली लगने के बाद अपराधी को गिरफ्तार किया गया है। अपराधी अफसरों से अवैध हथियार भी बरामद किए गए हैं। गाजियाबाद के थाना साहिबाबाद इलाके की एक घटना बताई जा रही है। तो बड़ी खबर गाजियाबाद से, जहां पर नोएडा एसटीएफ ने 50,000 के इनामी से मुठभेड़ की और गोली लगने के बाद अपराधी गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि पुलिस ने अपराधी के पास से कई अवैध हथियार को भी बरामद किया है। और इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता शिवा जुड़ चुके हैं। तो शिवा, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से गाजियाबाद से बड़ी खबर सामने आई है, क्या कुछ कहना है? नोएडा एसटीएफ ने 50,000 के इनामी से मुठभेड़ हुई है। देखिए, देर रात ये गाजियाबाद के साहिबाबाद क्षेत्र में नोएडा एसटीएफ की यूनिट को बड़ी सफलता हाथ लगी है। 50,000 का इनामिया, जिसका अफसरन नाम बताया जा रहा है, इसकी सूचना एसटीएफ की यूनिट को मिली थी और जब इसे पकड़ने के लिए टीम पहुंची थी, तब ये बताया जा रहा है कि दोनों के बीच काफी ज्यादा मुठभेड़ हुई थी और पुलिस पार्टी की तरफ फायरिंग करने की कोशिश की गई थी। इस बाबत जो बदमाश था वो पुलिस पार्टी में धर दबोचा गया था और बदमाश के ऊपर ये बताया जा रहा है कि लूट और किडनैपिंग के लगभग 30 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। और जब पुलिस पार्टी ने उसकी तरफ फायरिंग की तो बदमाश को गोली लगी है, जिसके बाद उसको पकड़ा गया है। ये बताया जा रहा है एसटीएफ की तरफ से कि अफसरों के पास से अवैध हथियार बरामद हुए हैं। साथ ही साथ ये जानने की कोशिश की जा रही है कि वो गाजियाबाद में किस अपने मकसद से आया था और क्या करने आया था, और जो इसके अन्य साथी हैं उनकी तलाश के लिए फिलहाल देर रात कॉम्बिंग भी की गई है। अब ये जरूरी होगा कि इसको कोर्ट के सामने प्रोड्यूस किया जाए और एसटीएफ की जो टीम है इससे पुलिस कस्टडी रिमांड ली जाए, और ताकि इनके बारे में, इनके साथियों के बारे में पता लगाया जा सके और इनके मकसद के बारे में पता लगाया जा सके कि गाजियाबाद ये लोग या फिर किसी लूट की बड़ी घटना को अंजाम देने आए थे या फिर एक कोई बड़ी वारदात करने आए थे। तो एसटीएफ यूनिट को एक बार फिर से ये कहा जाएगा कि एक बड़ी सफलता हाथ लगी जिसमें इसने 50,000 के इनामी को पकड़ा है। जी आशीवा, जिस तरह से बताया कि कई अवैध हथियार भी बरामद किए हैं पुलिस टीम ने, क्या इसके अलावा भी और कुछ बरामद किया गया है? देखिए, क्योंकि बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ है, देर रात का ऑपरेशन था, जितनी एसटीएफ ने जो अपनी सूचना है वो मीडिया को देने की जो कोशिश की थी, और उन्होंने कहा है कि ये प्रेस नोट के जरिए और ज्यादा साझा किया जाएगा कि इसके पास से जो चीजें बरामद हुई है हथियार में वो क्या क्या है और आखिरकार उसका मकसद क्या था यहाँ पर अवैध हथियारों के साथ आने का, तो थोड़ा सा बहुत इंतजार करना होगा और एसटीएफ का जो प्रेस नोट आएगा, जो आधिकारिक बयान आएगा, उसके आधार पे बहुत ज्यादा चीजें क्लियर हो पाएंगी कि बदमाश के पास से और क्या क्या बरामदगी हुई और पूछताछ में एसटीएफ के अफसरों को इसने क्या बताया। जी बहुत बहुत शुक्रिया शिवा आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बड़ी खबर इस वक्त की गाजियाबाद से आपको बता रहे हैं। गाजियाबाद के थाना साहिबाबाद इलाके की एक घटना है, जहां पर नोएडा एसटीएफ ने 50,000 के इनामी के साथ मुठभेड़ की है और गोली लगने के बाद अपराधी को गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि अपराधी असलम के पास से अवैध हथियार भी बरामद किए गए। इसी बीच फतेहपुर से बड़ी खबर, तेज रफ्तार डीसीएम ने बाइक सवार को जोरदार टक्कर मार दी है। बता दें कि बाइक सवार महिला की मौके पर ही मौत हो गई। फतेहपुर से इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, पुलिस ने डीसीएम समेत चालक को हिरासत में लिया है। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही पुलिस लगातार इस मामले की जांच पड़ताल में भी जुटी हुई है। तो बड़ी खबर फतेहपुर से बता रहे, जहां पर भीषण सड़क हादसे की यह खबर सामने आ रही है। डीसीएम ने बाइक सवार को जोरदार टक्कर मार दी और इस हादसे में
बाइक सवार महिला की मौके पर ही मौत हो गई है। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तो ये बड़ी खबर फतेहपुर से बता रहे हैं। पुलिस ने डीसीएम समेत चालक को गिरफ्तार किया है और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बड़ी खबर लखनऊ से। जीआरपी पुलिस द्वारा चेकिंग की गई है। आगामी 15 अगस्त को देखते हुए चेकिंग अभियान चलाया गया है। रेलवे स्टेशन चारबाग की सघन चेकिंग की गई है। साथ ही आने जाने वाले यात्रियों की सघन चेकिंग लगातार की जा रही है। जीआरपी पुलिस के द्वारा ये चेकिंग अभियान चलाया गया है। आगामी 15 अगस्त को देखते हुए लगातार ये चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। आपको बता दें कि रेलवे स्टेशन चारबाग की सघन चेकिंग अभी भी जारी है। स्टेशन पर आने जाने वाले यात्रियों की लगातार चेकिंग की जा रही है। बड़ी खबर इस वक्त की लखनऊ से बता रहे हैं, जहां पर आगामी 15 अगस्त को देखते हुए लगातार पुलिस सघन चेकिंग अभियान चलाई जा रही है। जीआरपी पुलिस के द्वारा ये चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।